हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हो रही है सुबह, और सुबह का बज रहा है 11:30। और बाकी आज जैसा कि हमारा प्लान बनाया है कैंपिंग वगैरह करने का, कैंपिंग करने का क्या बनाया, थोड़ा ऊपर को जाने का बनाया, थोड़ा घूमने का हमने का, और बना किसके संग है वो आप देख सकते हैं, वो है हमारे दिव्याज भाई। तो भाई यहाँ पे बेसिकली भाई हमारा हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी है। इसमें है 3 कुर्सियाँ और 1 टेबल है, और अपने कुछ बर्तन भी है। सबसे इम्पोर्टेंट भाई खाना बनाएंगे तो खाना बनाएंगे तो गैस भी है, गैस है और चूल्हा ही है भाई। बाकी जिसमें बनाएगा वो है, सिस्टम रेडी हो चुके हैं, फुल पावर एकदम। तो बाकी भी पैकिंग करके फिर मिलते हैं आपसे भाई, पूरा पैकिंग वगैरह करते हैं फिर मिलते हैं, फुल पावर तरीके से आज पूरी मौज मस्ती करेंगे, बाकी फिर दिखाते हैं। बाकी ये देखो अपना पूरा बैग, पूरा बैग कितने किलो का बट गया है, पूरा 5-6 किलो का बैग हमने पूरा बना दिया। बाकी अभी सामान वगैरह लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। बस बताओ भाई क्या चले, फिर चलो यार चलो, बहुत लेट हो गया पहले। हाँ यार तुम्हारे भाई लेट कर देते हैं, कोई नहीं। अरे यार एक्चुअल में क्या है ना हमारे यहाँ सबकी घड़ी में अलग अलग टाइम हो रहा है, पता नहीं है, सब अलग अलग बता रहे। तो जो भी हो गया है चलो मान लो 2 बज गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी जाते हैं बढ़िया करके एंजॉय करते हैं, दिखाते हैं आपको। और बाकी थोड़ा बहुत लेट सबने कर दिया, सबके वजह से थोड़ा इशू हो गया था। बाकी अभी देखो एक्सीडेंट हो गया है। तो गाइस अभी ले लिया है सामान वामान सारा, ले लिया। क्या लिया दिखाओ जरा एक बार। ये भाई ये कुरका लिया है, दिव्यांश भाई खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, ये वेपल्स वोपल्स जो भी है पता नहीं, चीजी बॉल्स। और ओम भाई खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं ओम भाई? कुरकुरा कुरकुरा खा रहे हैं। बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिए, पनीर वगैरह लिया है, वहाँ जाके बनाएंगे पनीर वगैरह, फिर दिखाएंगे कैसे बनाते, कैसे कैंपिंग करते, सब कुछ दिखाएंगे बढ़िया तरीके से। और बाकी अभी जाते हैं, दिव्यांश भाई की चल रही ड्राइविंग, कुरकुरा खाते खाते। तो बाकी थोड़ा जय श्री राम गाइस, थोड़ा वैसे बिजी हो गए थे कुछ काम से, तो थोड़ा 2 बज गया था निकलते हुए। हाँ मतलब बहुत ऐसा कुछ खास काम नहीं था, लेकिन हो गया था। बाकी अब निकल रहे ओम, और वहाँ पहुंच के फिर निकल रहे। पहुंचने वाले हैं भीमताल, जो कि है 8 किलोमीटर या 6-7 किलोमीटर मुझे नहीं पता। दिव्यांश भाई बताएंगे, दिव्यांश भाई कितना है? मात्र पांच किलोमीटर। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं भीमताल, और अभी मेरे बगल में देखो भीमताल लेक, और अभी बढ़िया करके भीमताल पहुंचे हैं। बगल में जस्ट बगल में मनोदा, बिल्कुल बगल में। बाकी मनोदा स्मार्ट लग रहे हैं आज बढ़िया, और दिव्यांश भाई भी स्मार्ट लग रहे हैं, ओम भी स्मार्ट लग रहा है। पार्थ भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया यार बाकी सबको बढ़िया लग रहा है। और अभी मैं भी जस्ट बैठा ही हूँ, और अभी भीमताल लेक बगल में व्यू बहुत प्यारा आ रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है। बाकी अभी जा रहे हैं चाफी विलेज, जहाँ हमें थोड़ी कैंपिंग वगैरह करनी, कुछ खाना वगैरह, फिर दिखाते हैं। अभी पहुंच चुके हैं चाफी, जहाँ हमें जाना था कैंपिंग करने और खाना पीना वगैरह जो भी करने जाना था, घूमने फिरने, हम चाफी पहुंच चुके हैं मतलब। और बाकी मनोदा सही लग रहा है, पहुंचे काफी लेट लगी, पहुंच गए मतलब। बाकी दिव्यांश भाई कैसा लग रहा है? ओम भाई कैसा लग रहा है चाफी? मजा आ गया, जगह तो बहुत, बस भूख बहुत लग रही है, पूरे 8 ज्यादा नहीं गाइस, थोड़ा बस 8 घंटे लेट है मनोज भाई के हिसाब से। बाकी पहुंच गए गाइस, चल रहे हैं अभी ऑफ रोड। ओए ओए नहीं नहीं, ऊपर ऊपर अभी कर दी है अपनी गुरखा भाई की पार्क, और अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जहां हमें करनी है कैंपिंग वगैरह, खाना पीना वगैरह जो भी करना है। बाकी दिव्यांश भाई यहीं पे है, तो रेडी। बाकी दिखाई भाई ये सेटअप है, कुछ कैंपर बन चुका अपना भाई, पीछे अपना फुल बैग रेडी है, फुल पावर सिस्टम, शूज जीन्स। लेकिन भाई डांडिया में भी जाऊंगा, वहां भी जाऊंगा क्योंकि बहुत बुरा हुआ, कुछ कहानी हुई है, कुछ कलेश हुआ है आज डांडिया। इस बड़ी मुश्किल से आपने देखा, मैंने वो पीछे जो नदी है वो पीछे उसको पार किया, और गाइस पानी देखो मेरी पूरी जीन्स एकदम गीली हो गई है, पूरा गाली। मुश्किल के बाद ओम भाई भी पहुंच चुके हैं। ओम भाई कहाँ से आ रहे हो भाई? हम वहां से घूम के आए। और अभी गाइस बना, अभी नहीं थोड़ा कैंप वगैरह लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा कैंपिंग या थोड़ा लगाने का लाए तो ऑब्वियसली बातें लगाएंगे, तो लगाते हैं फिर दिखाते हैं। बाकी गाइस देखो पूरा भीग गया हूँ। तो गाइज अभी मैंने लगा दिया है टेंट, और जैसा कि मेरे को मतलब ऐसा कुछ, मैं तो फर्स्ट टाइम आज ऐसे आ रहा हूँ टेंट वेंट लेके, मुझे तो ऐसा पता नहीं कैसे टेंट लगाते हैं। बाकी टेंट वेंट मैंने हल्का फुल्का जैसा भी होता है, एक तो सरफेस थोड़ा वैसा है रफ टाइप का, देखो ऐसा सरफेस है,
तो मैंने जैसा कि मतलब हल्का फुल्का मैंने टेंट लगा दिया है हमारे लिए, जो कि मतलब काफी ठीक लगा है। अभी हमारे मनोज भाई बना रहे हमारे लिए पनीर, और पनीर के पता नहीं क्या क्या दिव्याज भाई खा रहे हैं पनीर, वो भी कच्चा वाला, पता नहीं क्या हो गया इनको, कच्चा पनीर खा रहे हैं। पन्ने का वेट तो कर लेते थोड़ा। खाना पीना हो गया है फुल पावर तरीके से, और अभी चल रही है कैंप खोलने की तैयारी। ये देखो गाइस, ये है अपना कैंप, कैंप खोलने की तैयारी। चलिए दिव्यांश भाई, कैसा लगा? अरे भाई अल्टी बैठो भाई, आधे घंटे में खाना। दिव्यांश भाई ले रहे ड्रोन शॉट्स, ओम और दिव्यांश और बाकी ड्रोन शॉट्स वगैरह लेते हैं फुल पावर, वीडियोस में आएंगे ड्रोन शॉट्स, सब देखना सारे वीडियोस में ड्रोन शॉट वगैरह सब डालूंगा। और गाइस हैं हाँ, और बाकी अभी ड्रोन वगैरह उड़ाता हूँ, और उड़ाते हैं मतलब दोनों भाई मिलके, और बाकी फिर ड्रोन शॉट्स डालेंगे। मनोज भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मजा आ गया दोस्त, इधर मजा आ गया बढ़िया करके। बाकी कैंप वैम वगैरह फोल्ड करते हैं, एक्चुअली अभी चल रहे हैं कुछ ड्रोन शॉट, आप देखोगे ब्लॉग में कल के भाई, वो आप देखोगे कल के ब्लॉग में दिनेश भाई। हां हां, वहां ड्रोन शॉट दिखाओ, देखो ड्रोन शॉट चल रहे हैं। वो है ड्रोन, वो देखो दिख रहा होगा आपको, ये है हमारा ड्रोन। तेरी सरल स्वभाव देखी चाय चाहिए रे, मेरे बातों में दिल हार गया। भाई साहब बहुत तगड़ा कलेश हो गया यहाँ पे, टायर से पीछे आगे वाले टायर से पीछे हटा, पता नहीं क्या ये यूपी नंबर गाड़ी थोड़ी नंबर गाड़ी ने कलेश कर दिया बिल्कुल। देखो गाइस टायर देखो आप एकदम, और बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल अटैच कर दिए, और गाइस अब पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, क्या होने वाला है, क्योंकि चल चल सब। तो गाइस ये हो गया यहाँ पे बहुत खतरनाक कलेश, बिल्कुल गाड़ी वाड़ी सब हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। देख लिया चला, देख ले अभी मैं कर रहा हूँ इस ब्लॉग को एंड, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इस ब्लॉग को अभी एंड करना ही पड़ेगा, और कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड। पहुंच चुके हैं अपनी गली के बाहर, बगल में बैठे प्रेम विहार, प्रेम विहार प्रेम ही प्रेम है, बाकी बगल में दिव्यांश भाई, इनसे भी प्रेम ही प्रेम है, और ओम भाई से आज हमने इस ब्लॉग में बहुत प्रेम करा लोगों। हाँ लेकिन गाइस ऐसा है, ये ट्रिप हमारी एक्चुअली फर्स्ट ट्रिप थी और फर्स्ट ब्लॉग था, और भाई दिव्यांश भाई के साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा। हाँ इसमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा, मतलब अपने आपस में कुछ नहीं करा, बट आपस में भी करा, अच्छी चीजें करी, बट कुछ ज्यादा अच्छी चीजें कर दी। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि मतलब लोगों से एक्सपीरियंस लिया, कौन कैसा है क्या सब पता चला आज इस बहुत शॉर्ट ट्रिप से। और दुनिया में ये मैंने आज एक चीज सीखी है कि लाइफ में आप हर स्टेप पे सीखते हो, ऐसा नहीं कि आप कि अगर एज बहुत हो गई 40 50 हो गई 60 हो गई तो आपने सीख लिया, नहीं हर एक पार्ट में आप सीखते हो। चलो कोई नहीं, चलो बाकी इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, बाकी एंड करते हैं, और बाकी अभी हर बंदा अपने स्वार्थ के लिए आता है। हाँ वो ठीक है वो भी आटा वो भी लेकिन गाइस कोई नहीं, अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट ट्रिप अगर अब अच्छे अच्छे कैंपिंग वाले व्लॉग्स आएंगे, बढ़िया बढ़िया कैंपिंग वाले, डांडिया वाले, तभी चलते हैं इस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।